टू डायमेंशनल एरे। इन जावा व्हाट इज टू डायमेंशनल एरे? तो एरे का मैं मतलब तुम लोग ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर जो इंग्लिश वर्ड एरे है, अगर हम इसका बात करें तो एरे का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन सिमिलर मैनर। जैसे अगर एक लाइन से चेयर लगा हुआ है, मान लो एक लाइन से कितना चेयर लगा है, 1 2 3 4 5, तो एक चेयर का एरे फॉर्म हो गया। अगर एक जैसी चीज तुम कभी भी एक साथ अरेंज करोगे तो उसी को एरे बोलते हैं, सिंपल। तो ये देखो, ये जो नंबर ऑफ चेयर है सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसको हम वन डायमेंशन एरे बोलते हैं। मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। बट मान लो तुम्हारे घर में 15-20 लोग आ गए, ठीक है, और रूम छोटा सा है, तो ऑब्वियस सी बात है 15 लोगों को बैठाने के लिए तुम एक लाइन से ऐसे 15 चेयर तो नहीं लगा सकते ना, तो तुम्हें अलग अलग रो बनाने पड़ेंगे। तो तुमने एक रो ये बनाया, इसके नीचे 5 चेयर और लगा दिया, एक चेयर का एक और रो बन गया, उसके नीचे एक और रो बना दिया 5 चेयर का। अब ये 15 चेयर लग गए। बट अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पहले हमारा एक ही रो था, बट अब रो 3 हो गए, और 3 और कॉलम कितने हो गए, 4, 1 2 3 4 5। पहले जब हम सिर्फ एक लाइन में लगाए थे, सिर्फ एक रो था, तो क्या हो रहा था, सिर्फ एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ चेयर बढ़ रहे थे। बट अब देखो, अब एक्स एक्सिस पे भी नंबर ऑफ चेयर बढ़ रहे हैं और वाई एक्सिस पे भी नंबर ऑफ चेयर बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशन एरे। जब डेटा को हम इस तरीके से कंप्यूटर में अरेंज करते हैं, जैसे मैंने चेयर का कंसेप्ट बताया, जब मेमोरी में हम टू डायमेंशनल एरे की हेल्प से इस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम टू डायमेंशनल एरे। मतलब डेटा हम दो डायमेंशन में अरेंज कर रहे हैं। आया समझ में? यहाँ पे जो हमारा एरे होता है, टू डायमेंशनल एरे, इसमें हर रो की अपनी इंडेक्स होती है, इंडेक्सिंग होती है। तो जो पहला रो है उसका इंडेक्स होता है 0। अब मैं इसको ऐसे प्रॉपर बना देता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्सिंग कैसी होती है टू डायमेंशनल एरे में? पहले रो का इंडेक्स होता है 0, फिर 1, फिर 2। उसी तरह कॉलम की भी इंडेक्सिंग होती है। तो पहला कॉलम 0, 1 2 3 4। तो अगर कोई बोलेगा किस तरह का एरे है, तो क्या बोलोगे, ए 3 × 5 का टू डायमेंशन एरे है। 3 × 5 का मतलब क्या, पहला 3 क्या शो करता है, नंबर ऑफ रो, तो देखो नंबर ऑफ रो 3 है, और दूसरा क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक। और ये जो 0 से हमने लिखा है वो इंडेक्स है, तुम लोगों को पता ही है। हम लेंथ काउंट करेंगे तो ऑब्वियस बात है 1 से काउंट करेंगे, लेकिन इंडेक्स वो 0 से होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम प्रोग्राम में टू डायमेंशन एरे का कंसेप्ट समझ में आ गया ना सबको, टू डायमेंशन एरे का मतलब क्या है, सिंपल यही है। बस तुम यहाँ पे जो चेयर है, चेयर का मैंने एग्जाम्पल दिया, इसके लिए तुम डेटा रख दो, जो भी तुम्हें डेटा स्टोर करना है, अगर नंबर स्टोर करना है तो नंबर, जो भी है डेटा, अगर नंबर है तो नंबर ले लो, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं चेयर इसे हटा देता हूं यहां से, अब मान लो इसकी जगह हमने कुछ डेटा स्टोर किया है, जैसे 13 8 9 7 4 5 1 0 8 3 12 9 1 8 4। तो यहाँ पे जो इंटीजर टाइप का डेटा है टू डायमेंशनल एरे में अरेंज है, ठीक है, मेमोरी में बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज होता है। अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इतना सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। तो अब इस कंसेप्ट को हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है, अगेन जो वन डायमेंशनल एरे में था, डिक्लेरेशन, एरे को डिक्लेयर करना होगा। तो टू डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहले एरे का टाइप, जो भी हमारे एरे का टाइप है, देन एरे नेम, सो एरे अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज,
फिर सेमी कॉलन, पहला स्टेप एरे डिक्लेरेशन। दूसरा स्टेप, अब मान लो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है, जैसे अब जैसे हमने वन डायमेंशन एरे में देखा था कि वन डायमेंशन एरे को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके से। पहला तो जस्ट वन मिनट, पहला तो हमारे पास डेटा पहले से अवेलेबल हो, और दूसरा हमें यूजर इनपुट लेना हो। तो टू डायमेंशन एरे में भी सेम चीज है, हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला कि यूजर से इनपुट लेना हो, और दूसरा हमारे हमारे पास डेटा पहले से अवेलेबल हो। तो मान लो कुछ स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट ए है, ठीक है, इसके मैथ्स में मार्क्स हैं 40, केमिस्ट्री में मार्क्स हैं 35 और फिजिक्स के मार्क्स हैं 36 एंड और क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बायो के मार्क्स हैं मान लो 39। उसी तरह जो स्टूडेंट बी है उसका जो मैथ्स का मार्क्स है वो है 39, केमिस्ट्री का मार्क्स 24, फिजिक्स का मार्क्स 23 और बायो का 40। जो स्टूडेंट सी है उसका मैथ्स का मार्क्स है 22, केमिस्ट्री का मार्क्स है 40, फिजिक्स का 40 और बायो का 38, ठीक है। तो अब अगर इस डेटा को तुम्हें स्टोर करना हो किसी एरे में, तो वन डायमेंशन एरे में कैसे स्टोर तुम करोगे, क्योंकि यहाँ पे तीन स्टूडेंट हैं और उनका कुछ रिकॉर्ड है। ए का भी चार सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, बी का भी चार सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, सी का भी चार सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है। तो इसके लिए तो टू डायमेंशन एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो टू डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तीन ना, तो जो टू डायमेंशन एरे क्रिएट करोगे उसमें थ्री रो होंगे। और कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, तो कॉलम जो होगा वो चार होगा, यानी 3 × 4 का तुम टू डायमेंशन एरे क्रिएट करोगे, मतलब कुछ ऐसा 3 रो एंड देन 4 कॉलम, और फिर इंडेक्सिंग कर दो 0 1 2 और यहां पे 0 1 2 3। तो पहले रो में ए का रिकॉर्ड आ जाएगा, मैथ्स का मार्क्स, देन केमिस्ट्री का मार्क्स, देन फिजिक्स का मार्क्स, देन बायो का मार्क्स। वन इंडेक्स वाले रो में बी का रिकॉर्ड आ जाएगा, मैथ्स का मार्क्स, फिर 24 23 40, और फिर टू रो में किसका रिकॉर्ड आ जाएगा, सी का 22 40 40 38। इस तरीके से, इस बस यही नीड है टू डायमेंशन एरे का, ऐसे ही केसेस में यूज करते हैं टू डायमेंशन एरे का, ठीक। तो सपोज हमारे पास डेटा अवेलेबल है, मान लो हमारे पास डेटा अवेलेबल है जो मैंने उधर साइड में लिखा हुआ है एबीसी का रिकॉर्ड, हमें इसी को लेकर एरे बनाना है टू डायमेंशन एरे। तो पहला स्टेप तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एरे को डिक्लेयर करना होता है। दूसरा स्टेप क्या है, एरे में आप डेटा कैसे स्टोर करेंगे, और सॉरी डिक्लेरेशन में कुछ लिखना भूल गया, टाइप एरे नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज दो बार। वन डायमेंशन एरे में सिर्फ एक बार करते थे ना, टू डायमेंशन में दो बार होगा, ठीक है, मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। सो ये हमने एरे को डिक्लेयर कर लिया, अब डेटा स्टोर करेंगे। सेकंड स्टेप स्टोर डेटा। तो डेटा स्टोर करने का सिंटेक्स क्या होता है टू डायमेंशन एरे में, सिंपल है, एरे नेम असाइन विथ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अब कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज ऐसे कर लो, पहले रो का डेटा क्या है 40 35 36 एंड देन 39, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कॉमा, फिर दूसरे कर्ली ब्रेसेस में दूसरे रो का डेटा 39 24 23 40, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कॉमा, फिर तीसरे रो का डेटा 22 40 40 38, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, हो गया।
और इसके बाद सेमी कॉलन यहाँ पे, ऐसे हम डेटा स्टोर करेंगे। पहले यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर लेंगे, टाइप क्या है आईएनटी और एरे नेम क्या है, एरे नेम मान लेते हैं हम मार्क्स, ये डिक्लेयर हो गया और ये हमने डेटा स्टोर कर लिया। यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर करने का सिंटेक्स नहीं लिखा है, सीधे एग्जांपल लिख दिया, ठीक है समझ जाना। तो क्लियर हुआ इतना सबको? Yes, sir. तो चलो इस चीज को हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं। ये दो स्टेप, सो एक फाइल यहाँ पे हम बनाते हैं, न्यू फाइल, इसको सेव कर लेते हैं। सो फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, ठीक है, और नाम दे देता हूं मैं एरे मार्क्स देन डॉट जावा। ये हमारा सेव हो गया। सो बनाते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक देन क्लास, क्लास के बाद क्लास का नाम क्या है, एरे मार्क्स। सो एरे मार्क्स देन पब्लिक। अच्छा हमें इंपोर्ट वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इनपुट अभी नहीं ले रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआर, इसके अंदर भी ये लाइन भी मैं हटाया, इंपोर्ट वाला हटा दे रहा हूँ क्योंकि इनपुट तो लेना नहीं है तो इसका जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहला काम एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो मैं कमेंट में लिख दे रहा हूं एरे डिक्लेरेशन। सो एरे डिक्लेरेशन कैसे होगा, पहले एरे का टाइप, तो टाइप क्या है मार्क्स, मान लो इंटीजर टाइप का होगा, ऐसे पॉइंट में होता है बट मान लेते हैं इंटीजर। सो आई एन टी एरे का नाम ले लेते हैं मार्क्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ये हमारा टू डायमेंशन एरे डिक्लेयर हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, स्टोर द डेटा, स्टोर द डेटा या फिर मार्क्स। तो मैंने क्या बताया था और अभी तुम लोगों को, कि मान लो जो स्टूडेंट ए है उसका मार्क्स क्या है, मैथ्स में 40 है, फिजिक्स में 38 है, केमिस्ट्री में 32 है, बायो में हो सकता है मार्क्स मैंने उधर कुछ और लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं है 28 है। देन बी का कितना है, मान लो मैथ्स में 21 है, फिजिक्स में 40 है, केमिस्ट्री में 17 है और बायो में 20 है। देन सी का क्या है, सपोज मैथ्स में 38 है, फिजिक्स में 40 है, केमिस्ट्री में 40 है, बायो में समवॉट 38 है, ठीक है ए है। तो अब स्टोर कैसे करेंगे इस डेटा को, सिंपल है, एरे का नाम मार्क्स असाइन विद कर्ली ब्रेसेस में, अब चाहो तो तुम ऐसे एंटर करके स्पेस यहां बना लो, ठीक है जगह बना लो ताकि ज्यादा बेटर रहेगा, और चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है मैं पहले एक लाइन में ही कर देता हूं। सो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस, उसमें पहले रो का डेटा 40, 38, 28 देन कर्ली ब्रेसेस बाहर कॉमा, दूसरा कर्ली ब्रेसेस इसे दूसरे रो का डेटा 21, 40, 17, 20 फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बाहर अब तीसरे रो का डेटा जितना रो रहेगा तुम्हारा, सो 38, 40, again 40 देन कॉमा एंड अगेन 38। ठीक है इतना सबको समझ में आ गया ना डेटा कैसे स्टोर करेंगे? Yes, sir. अब देखो होगा क्या, अभी चीज को ध्यान समझो, यहाँ पे होगा क्या, तुम लोगों को पता है ना मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि कंप्यूटर में जो भी एग्जीक्यूट होता है इस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद ये सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर कहाँ परफॉर्म करता है। जैसे कंप्यूटर ने जब ये पढ़ा इस लाइन को, तो बेसिकली लाइन क्या है, जावा में हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भाई इस डेटा को तुम अपने मेमोरी पे स्टोर करो, तो इसको पढ़ने के बाद मेमोरी पे जाएगा और वहां पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ना फिजिकली हार्डवेयर पे, तो मेमोरी पे क्या होगा इसको समझो।
प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, पहले ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन. जब कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा INT marks, तो मेमोरी पे एक वेरिएबल एलोकेट कर देगा मार्क्स नाम का, ठीक है. और चूंकि मार्क्स के आगे दो बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज है, तो समझ जाएगा कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नॉर्मल नहीं है. दूसरा, अब इस लाइन पे जब आएगा, एक कमेंट को तो छोड़ देगा, कमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है हमारे. फिर जब इस लाइन पे आएगा, मार्क्स वाले लाइन पे, तो इसको रीड कर, पता है तुम लोग ऑलरेडी बता चुका है, कहीं भी असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहता है तो पहले राइट हैंड साइड वाले एग्जीक्यूट होता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर होता है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्क्स के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, मार्क्स असाइन विद दिस. तो पहले राइट हैंड साइड में है असाइनमेंट ऑपरेटर के, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा. तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको रीड करते ही तुरंत तो पहले काउंट करेगा कितना रो चाहिए. तो रो देखो कितना चाहिए, कितना रिकॉर्ड है, 1, 2, 3. अच्छा ये देखो पहले रिकॉर्ड में कुछ गलती हो गया है, 3 ही मैंने दिया है, एक और दे लो, कुछ भी दे दो, 40 दे दो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सब में सेम होने चाहिए, नहीं तो एरर दे देगा. तो रो कितने हो रहे हैं, 3. तो कंप्यूटर तुरंत जाएगा और रैम पे 3 रो क्रिएट कर देगा. फिर हर रो में कितने एलिमेंट हैं, देखो 1, 2, 3, 4, सब में सेम ही होंगे, इसमें भी 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 कॉलम क्रिएट कर देगा, 1, 2, 3, 4. और फिर सबको इंडेक्स दे देगा, पहले रो का इंडेक्स, तो पहले रो का 0, दूसरे रो का 1, तीसरे रो का 2, फिर कॉलम का इंडेक्स, पहले कॉलम का 0, दूसरे कॉलम का 1, तीसरे कॉलम का 2, चौथे कॉलम का 3. और अब देखो ये पूरा का पूरा कहाँ स्टोर हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले में असाइन करता है. तो यहाँ पे हो कर क्या रहा है, ये पूरा का पूरा जो एरे है ये बेसिकली स्टोर हो रहा है मार्क्स में. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम देखो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ये दे रहे हैं कि जो मेमोरी पे एरे क्रिएट करोगे इसको पढ़ने के बाद, उसका जो एड्रेस होगा इस मार्क्स में स्टोर कर देना. तो मार्क्स कहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ पे मेमोरी में. तो ये एरे जहां भी क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस मार्क्स में स्टोर हो जाएगा. यानी अगर हमें इस एरे को एक्सेस करना है जो मेमोरी पे है, तो किसके थ्रू करेंगे, मार्क्स के थ्रू, क्योंकि उसका एड्रेस मार्क्स में है. इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर. अब कंप्यूटर क्या करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, सारे कॉलम को क्रिएट करने के बाद डेटा लाके स्टोर कर देगा, पहले रो का डेटा पहले रो में, 40, 38, 28, 20, then 40, then 21, 40, 17, 20, then 38, then 40, again 40, then 38. ठीक है, ऐसे डेटा स्टोर हो जाएगा. अब देखो इसमें हर एलिमेंट का अपना इंडेक्स होता है. मतलब अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं इस 40 का इंडेक्स क्या है, इस 38 का क्या है, तो यहाँ देख के बताना थोड़ा टफ होगा, बट पहले यहाँ रैम पे देख लो, मेमोरी पे, फिर वहां देख के बता दोगे डायरेक्ट. ये जो पहला हमारा एलिमेंट है 40, इसका रो कौन सा है, रो का इंडेक्स बताओ, जीरो जीरो जीरो. रणबीर मैंने इंडेक्स पूछा है, 0 0 रो कैसे हो जाएगा, तो इसका रो जीरो. और कॉलम क्या होगा इसका, जीरो. तो इस एलिमेंट का कंप्लीट इंडेक्स हो जाएगा 0 0. पहले रो का इंडेक्स लिखते हैं फिर कॉलम का, और एलिमेंट को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली M I J. I मतलब रो, J मतलब कॉलम. तो 40 जो है यहाँ पे M की जगह 40 है, और उसका रो क्या है, 0, कॉलम क्या है, 0. तो, हाँ बोलो सर, एक्चुअली ना मेरी मैथ क्लास है अभी. रुक जा बस 5 मिनट रुक जा, फिर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर. बस 5-6 मिनट. तो अगर हमें प्रिंट करना है 40 को, अगर हमें 40 को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. एरे का नाम, एरे का एड्रेस किसको पता है, मार्क्स को पता है, तो मार्क्स
और फिर उसके बाद दो बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, पहले वाले में रो का इंडेक्स, जो एलिमेंट प्रिंट करना है उसका रो क्या है, तो 40 का रो क्या है, 0, और दूसरे में कॉलम का इंडेक्स तो क्या है, 0, A40 प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से जैसे 17 का इंडेक्स क्या होगा, ये जो 17 है इसका इंडेक्स क्या होगा, तो 17 का रो क्या है, यहाँ पे रो की जगह 1 आ जाएगा और कॉलम की जगह 2 आ जाएगा। ऐसे हम सारे एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, बट अगेन इस तरीके से हम प्रिंट करेंगे 100 एलिमेंट है तो क्या 100 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम कैसे प्रिंट करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। अगर नेस्टेड लूप नहीं पता तो सिंपल है, देख लो, ऐसे सबको 11th में नेस्टेड लूप ना पता ऐसा हो नहीं सकता। फॉर और फॉर के अंदर अगर एक और फॉर है, इसी को बोलते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। तो देखो नेस्टेड लूप का कैसे यूज करेंगे, फॉर आईएनटी आई असाइन विद 0, 0 क्यों लिया, क्योंकि रो का पहला इंडेक्स 0 है, आई लेस देन, अब जो आउटर फॉर होगा वो रो के लिए चलेगा, रो कितना है 3 है ना, तो आई लेस देन 3, देन आई प्लस प्लस, देन फॉर के अंदर एक और फॉर, एक कॉलम के लिए चलेगा, जितना कॉलम है, तो फॉर आई एन टी जे असाइन विद 0, क्योंकि कॉलम भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, जे लेस देन, कॉलम कितना है 4 ना, तो जे लेस देन 4, एंड देन जे प्लस प्लस, एंड देन इसके अंदर फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एरे का एड्रेस क्या है मार्क्स, एंड देन फिर इसमें आई मतलब रो नंबर, एंड देन जे कॉलम नंबर। देखो एक बार जल्दी से देख लो, समझा देना इसको। यहां पे जो आउटर फॉर है, ध्यान से सब लोग समझना कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। सबसे पहले ये समझ लो कि जो हमारा फॉर होता है, जैसे मान लो ये फॉर है हमारा एक, जिसको नेस्टेड फॉर नहीं आता, अगर किसी को भी नहीं आता देख लो, जल्दी से बता रहा हूँ नेस्टेड फॉर काम कैसे करता है। जैसे आई एन टी आई असाइन विद 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। दीप्ति तुम्हारा क्लास है ना मैथ्स का? यस सर। अगर समझ में आ गया तो लीव कर सकती हो। अगर समझ में आ गया तो लीव कर सकते हो, और वेट करना है तो बस 5 मिनट और मुझे लगेगा। 2:06 हो रहा है, मैं 2:12 पे छोड़ दूंगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है? ठीक है सर, क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे वो वाली, आप ही बता दीजिए। ठीक, सो आई एन टी जे असाइन विद 0, जे लेस देन, यहाँ 1 दे लेते हैं 0 की जगह, दोनों जगह ठीक है, जे में भी 1 आई में भी 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 5, जे प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मान लो हमने एस्ट्रिक प्रिंट किया है। तो ये फॉर काम कैसे करता है, ध्यान से समझना। I की वैल्यू 1, फिर कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन ट्रू, कंप्यूटर अंदर आएगा, अंदर आएगा तो अभी वाला फॉर एग्जीक्यूट होने लगेगा। अब जब तक इस फॉर का कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, ये फॉर का एग्जीक्यूशन बंद ही नहीं होगा। कैसे, J पे जाएगा 1, फिर कंडीशन पे जाएगा J less than equal to 5, फॉर के अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक, फिर कहां जाएगा, इनर फॉर के अपडेशन पे J प्लस प्लस, अब J की वैल्यू 2, फिर कंडीशन पे जाएगा J less than equal to 5, फिर फॉर के अंदर आएगा। अभी इनर फॉर चलता रहेगा जब तक इनर फॉर का कंडीशन ना क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तो जब जे की वैल्यू 6 होगी, जब 5 बार एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद ये जे की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, यानी 5 लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी जे में 6 है ना, 6 लेस देन इक्वल टू 5, तब कंप्यूटर इस फॉर के बाहर आएगा और अब आउटर फॉर को कंटिन्यू करेगा, यानी इसके अपडेशन पे i++ पे जाएगा, फिर कंडीशन पे आएगा, तो i less than equal to 5, i में अब 2 है, 2 less than equal to 5 condition true,
फिर अंदर आएगा, फिर से वाला फॉर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जे में फिर वन स्टोर हो जाएगा, फिर ये पांच बार चलेगा। तो आउटर फॉर के हर एक ट्रू कंडीशन के लिए इनर फॉर कितनी बार चल रहा था? पांच बार। समझ में आया नेस्टेड लूप कैसे काम करता है? यस सर। यस सर। सो अगर नहीं यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो और मैंने आई लेस देन थ्री क्यों लिया है यहाँ पे? जो आउटर फॉर होता है वो नंबर ऑफ रो के लिए होता है। रो कितने हैं यहाँ पे? थ्री, वन टू थ्री। तो ए लूप, ये देखो ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगा? तीन बार। जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो लेस देन थ्री ट्रू, जब आई की वैल्यू वन होगी वन लेस देन थ्री ट्रू, जब आई की वैल्यू टू होगी तब भी ट्रू। और इंडेक्स देखो टू तक ही है ना। और मैंने इक्वल टू यहाँ क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि जब आई की वैल्यू थ्री होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमारा रो में थ्री इंडेक्स कोई है ही नहीं। समझ में आया सबको इतना? जो हमारा इनर फॉर होता है वो सारे एलिमेंट को एक्सेस करता है, मतलब इस तरीके से पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा एलिमेंट। तो एलिमेंट कहाँ तक? एलिमेंट का इंडेक्स तो थ्री तक है ना, और लेंथ की बात करें तो फोर, क्योंकि लेंथ वन से काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर। तो उसीलिए यहाँ का कंडीशन मैंने जे लेस देन फोर दिया है, यानी जब जे की वैल्यू जीरो होगी तब भी ट्रू होगा, वन पे ट्रू होगा, टू पे ट्रू होगा, थ्री पे ट्रू होगा, बट जब फोर होगा तो फोर लेस देन फोर फॉल्स हो जाएगा। और जीरो से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि कॉलम में भी पहला इंडेक्स जीरो है। सबको समझ में आ गया है? यस सर। ओके, अब देखो अब होगा क्या, आई की वैल्यू जीरो, जीरो लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू, कंप्यूटर फॉर के अंदर आया, फॉर के अंदर आया तो एक और फॉर मिल गया। अब ये वाला फॉर एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, ध्यान समझना। यहाँ पे जे में जीरो स्टोर होगा, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन पे जाएगा, तो जीरो लेस देन फोर कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, अंदर आएगा तो क्या प्रिंट करेगा? मार्क्स आई जे। तो मार्क्स में एरे का एड्रेस है, एड्रेस देख के एरे में जाएगा और फिर कौन सा एलिमेंट प्रिंट करेगा? आई और जे। तो अभी आई की वैल्यू क्या है? जीरो है, और जे की वैल्यू क्या है? जीरो है, जीरो जीरो। तो पहला एलिमेंट प्रिंट करेगा 40। फिर क्या होगा? अब देखो इनर फॉर से अभी निकल ही नहीं पाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, तो अब इनर फॉर को कंटिन्यू करेगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू वन हो जाएगी, फिर कंडीशन पे जाएगा वन लेस देन फोर कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा। अब क्या प्रिंट करेगा? मार्क्स आई जे। तो आई तो अभी भी जीरो है, वो तो चेंज हुआ नहीं है, बट जे अब वन हो चुका है, तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट करेगा? जीरो वन। तो जीरो वन पे कौन सा है? रो जीरो कॉलम वन, 38 प्रिंट करेगा। और एक ही लाइन में प्रिंट करता चला जाएगा क्योंकि कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट एक लाइन में प्रिंट करता है, लाइन नहीं चेंज करता है। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। फिर अपडेशन पे जाएगा जे प्लस प्लस, अब जे की वैल्यू हो जाएगी टू, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा। आई में अभी भी जीरो है बट जे में अब टू है, तो जीरो तो देखो रो जीरो इंडेक्स टू 28 है, तो 28 प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू थ्री होगी, आई तो जीरो ही रहेगा, तो फिर क्या प्रिंट करेगा? 40। फिर जब जे की वैल्यू फोर होगी तो ये फोर लेस देन फोर कंडीशन फॉल्स, तुरंत इससे बाहर यहां निकल गया, यहां आ गया, मतलब आउटर फॉर के अंदर है बट इनर फॉर के बाहर आ गया। सो अब आउटर फॉर को कंटिन्यू करेगा जहां छोड़ा था। आउटर फॉर के कहां जाएगा? अपडेशन आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू अब टू हो वन हो जाएगी, तो आई लेस देन थ्री यानी वन लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा। अब जब अंदर आएगा तो फिर से इनर फॉर की इनिशियलाइजेशन पे जाएगा, यानी ये जे इक्वल टू जीरो, फिर से जे में जीरो आ गया, फिर इनर फॉर स्टार्ट हो गया। अब आई की वैल्यू फिर से वन बनी रहेगी, मतलब दूसरा रो, और जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो क्या क्या प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू जीरो और जे की वैल्यू जीरो, सो 21। फिर आई तो जीरो ही रहेगा, जे वन हो जाएगा, सॉरी आई की वैल्यू जीरो ना, मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूँ यार, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो। सो आई की वैल्यू वन है ना, यहाँ पे आई की वैल्यू वन हो गई थी ना, कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर आया, तो जे की वैल्यू जीरो कंडीशन ट्रू अंदर आया, तो मार्क्स आई जे। आई में वन है और जे में कितना है? जीरो है, वन जीरो। तो वन जीरो पे कौन सा एलिमेंट है? 21। तो 21 प्रिंट करेगा।
फिर i की वैल्यू 1 ही रहेगी, j प्लस प्लस j की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 1 पे कौन सा है 40, तो फिर 40 प्रिंट करेगा। फिर i की वैल्यू 1 ही रहेगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 2 पे क्या है 17, तो 17 प्रिंट करेगा। ऐसे सारा पूरा एरे एक लाइन में प्रिंट कर देगा। और अगर चाहते हो कि अलग अलग लाइन में प्रिंट करे तो सिंपल है, यहाँ पे इनर फॉर के बाहर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन दे दो, हर रो के बाद लाइन चेंज कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, अंदर कुछ नहीं लिखना। इससे होगा क्या, जैसे ही इनर फॉर एक रो को प्रिंट करेगा और जैसे ही बाहर आएगा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, लाइन चेंज करके नीचे ला देगा, तो एरे तुम्हारा इस तरीके से प्रिंट होगा अलग अलग रो में। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर, क्लियर हो गया ना? यस सर। यस सर।